नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट धनंजय द्विवेदी आज आप लोगों को एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि AIBE का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि AIBE का एग्जाम कब होता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है, होगा या नहीं होगा, वो भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा इसमें। तो चलिए जानते हैं कि AIBE का एग्जाम कब होता है। जब कोई व्यक्ति इंटर के बाद अगर LLB करता है तो 5 साल का करता है और BA के बाद करता है 3 साल करता है। तो जब वो LLB कंप्लीट कर लेता है तो बार काउंसिल में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है और जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो वो वकील हो जाता है। वकील तो वो हो गया, पर अभी उसको एक एग्जाम देना है कंटिन्यू लाइफ टाइम के लिए, उसको एक एग्जाम देना है। उस एग्जाम में उसे पास करना है, जो कि बहुविकल्पी आते हैं, वो सिलेबस में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें दिखाई देता है कौन से किस सब्जेक्ट से कितने कितने अंक के आते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रहा है उसमें ये भी दर्शाया गया है कि जब लड़का बार काउंसिल में जाता है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो 15,000 से 20,000 रुपये वहां लग जाता है। उसके बाद एग्जाम के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें 3500 रुपये फीस ली जाए, 3200, 3500, 4000 रुपये। कोई ऐसे एग्जाम नहीं है सरकारी, कोई ISPCS की एग्जाम भी देने जाए उसमें इतने पैसे नहीं लगते हैं। पर नहीं, एडवोकेट की इस बार AIBE की एग्जाम के शुल्क जो है वो भारी है, जो कि ये आम पब्लिक के जो लड़का पढ़ के जा रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो इस बात में बहुत से लोगों के लिए तकलीफ की बात है। क्योंकि वो पढ़ने लिखने के बाद भी अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर ना भर पाया, मैं कहता हूं कि अगर 100 में एक भी इंसान, 1000 में एक भी इंसान अगर पैसे की वजह से ना कर पाया तो उसका हकदार कौन होगा। हाँ, तो दोस्तों, और आजकल आप लोगों को दिखाया जा रहा है टाइटल में AIBE एग्जाम अब नहीं होंगे, 2022 सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इस सब चक्कर में मत पड़िए। अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि AIBE का एग्जाम नहीं होगा। AIBE का एग्जाम होगा, बशर्ते कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो टॉपिक है वो हार्ड कर दिया जाए, निगेटिव मार्किंग कर दिया जाए। तो आप लोग पढ़ाई को छोड़ने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने काउंटर पे जा करके या जहाँ पे आप चैम्बर पे जाते हैं वहाँ पे जा करके राय सलाह करिए, कौन से सब्जेक्ट में क्या आते हैं, कैसे क्या है, पढ़ाई पे ध्यान करिए, क्योंकि AIBE का एग्जाम होगा, इसे अभी कोई रोकने वाला नहीं है। बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको और हार्ड कर दिया जाए, तो इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा। AIBE का एग्जाम होने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, जो ये लोग बता रहे हैं कि AIBE का एग्जाम नहीं होगा तो ये एक फर्जी काम कर रहे हैं, ये सब गलत बातें हैं, किसी के भ्रम में बिल्कुल नहीं आइएगा। अगर ये वीडियो देख लिए तो मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। आदेश ये आया है कि अब हो सकता है तो लड़के जब फाइनल ईयर का एग्जाम देंगे LLB का तो उसी के साथ AIBE का एग्जाम एक पेपर होगा, बाकी अभी कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि AIBE का एग्जाम नहीं होगा। तो आप ये धोखे में मत रहिएगा, पढ़ाई पे ध्यान करिए और एग्जाम की तैयारी करिए ताकि आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम एडवोकेट रह सकें। और इधर उधर में बातों को आज के बाद वीडियो देखने के बाद दिल से और दिमाग से दोनों से निकाल दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ना अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं और सुधार करूँगा। और आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो कृपया मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करके पूछिए, आपको पूरा का पूरा निवारण मिलेगा। धन्यवाद।